you know हरे गीता अध्याय सुल श्लोक संख्या सात प्रवृत्ती च प्रवृत्ती च निवृती चदुराशुराना विदुराशुराशौच विदुराशुरा। न चारो

Okay, hmm. वित्तिम च जनाना सोचम न पिचाचारो न सत्यं तेसु विद्यते ओके हरे कृष्णा पढ़िए हरे कृष्णा प्रभु जी वित्तिम च न वित्तिम च जनाना विदुरासुर ना सोचम अपि च आचारो ना सत्यं तेसु विद्यते श्री कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा यस नेक्स्ट हरे कृष्णा प्रभु जी प्रवित्तिम्चा निरवित्तिम्चा जनाना विदुर आसुरा न सोचम न अपिचा आचारो न सत्यम तेशु विद्यते डंडवत नम्बर नेक्स्ट नेक्स्ट और कोई पढ़ेंगे हरे कृष्णा प्रभुजी हरे वित्तिम्चा निरवित्तिम्चा जनाना विदुरम सुरा ना सोचम ना पीछा चुरा ना सत्यम ते सबिद्यते हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद दन्णवत्त। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी यस yes, प्लीज रूप पड़िए च निवृत्ति च न विदुरासुर न शौचम न भी चाचारो न सत्यम ते सुद्य हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद दन्णवत्त। यस yes. माता जी चा चा हरे कृष्णा प्रभु जी प्रवृत्ति निवृत्ति जनाना विदुरा सुरा न शौचम न अभी चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुरा सुरा न शौचम न अभी चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते हरे कृष्णा हरिबो हरे कृष्णा प्रभु दंडवत पढ़िए पढ़िए हरि कृष्ण प्रभु जी प्रणाम व्रीतम चनि जनाना विदुर आशुरा नापि चाचारो ना शुभितते हरि कृष्ण प्रभु जी प्रणाम धन्यवाद यस नेक्स्ट जा विद्ध। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद प्रणाम कृतिम जन रत्तिम च जना ना विदुआ सुर ना शोचम ना अपीचा आचरण ना सत्यम ते शुभिद हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम ओके आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ प्रवृत्तिम ठीक से कर्म करना भी निवृत्तिम अनुचित ढंग से कर्म न करना तथा जनहा कभी नहीं विदुहु जानते आसुरा आसुरी गुण के न कभी नहीं शौचम पवित्रता न तो अभी भी च तथा आचार आचरण न कभी नहीं सत्यम सत्य तेज उनमें विद्यते होता है अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला श्रा शिलाप्रपात के द्वारा जगत गुरु शिला प्रपात की जय शिला में लिख रहे हैं क्या जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनमें न तो पवित्रता न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है जगत गुरु शिला शिलाप्रपात की जय हरे कृष्णा आप सभी भक्तों का स्वागत है थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं तो यह श्लोक बहुत ही स्पष्ट है और बहुत सुंदर श्लोक है और भगवान यहाँ पर आश्री गुणों का वर्णन कर रहे हैं तो कह रहे हैं प्रवृतिम जिसमें व्यक्ति को प्रवृत्त होना चाहिए जो कार्य व्यक्ति को करना चाहिए और निवृत्तिम निवृत्ति मतलब जिसे नहीं करना चाहिए जिससे व्यक्ति को निवृत्त होना चाहिए च चा जनाना विदुराशुरा जो लोग असुरी प्रवृत्ति के होते हैं वह यह बात नहीं जानते हैं कि उसे कौन से कार्य करने चाहिए कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और क्यों नहीं जानते हैं क्योंकि शास्त्र में उनकी श्रद्धा नहीं होती है न सोचम, वैदिक आदेशों का पालन करने के लिए व्यक्ति को बाह्य शुद्धता पालन करने की आवश्यकता होती है स्नान इत्यादि वो सब नहीं करते हैं नापी च बहुत सारे आचरण करने होते हैं जैसे एकादशी का एकादशी को नहीं खाना है ना सुबह उठना स्नान करना जैसे कल कुछ लोग अलग अलग प्रश्न कर रहे थे तो ये सब क्या है असुरी गुण है उनको करने में उनका कोई रुचि नहीं होती है लेकिन दिखाने में बहुत अरुचि होती है क्योंकि शास्त्र में इनका विश्वास नहीं होता है वह बस अगड़म बगड़म अगड़म बगड़म खुद से ही कुछ शास्त्र बनाते रहते हैं और उसको बत, बनाने का प्रयास करते हैं ठीक है तो वह क्या है वह गलत है ऐसा ये सही नहीं है ठीक है न न न सत्यम तेषु विद्यते वह सत्य नहीं बोलते हैं ठीक है श्लोक को तोड़ मरोड़ कर गंदे तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं ओके okay? okay? आगे बढ़ते हैं गीता भूषण बारह श्लोक में भगवान आसुरी समूह का वर्णन कर रहे हैं देवी गुणों को वर्णन करने के भगवान ने तीन श्लोक लिए और आसुरी गुणों का वर्णन करने के लिए बारह क्योंकि आसूर लोगों की प्रवृत्ति आज कल युग में बहुत है कल भी कुछ लोग आए थे तो प्रतियां बहुत पाई जाती है उससे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए और आप यह भी देखेंगे कि आसुरी प्रवृत्तियां में प्रवृत्त होने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है है ना स्पेशली इस विशेषकर इसमें कलयुग में है कि नहीं हमें सही गुण पकड़ने में बहुत समय लगता है ज्यादा आकर्षित नहीं करता है कोई अगर अच्छा व्यक्ति है तो वह हमें ज्यादा आकर्षित नहीं करता है लेकिन एक कोई बुरा व्यक्ति है सिगरेट रहा है गॉड, oh और कोई धोती कुर्ता पहना है वहा हाथ ओल्ड फैशन लेकिन न्यू फैशन यही है जी ध्यान रखना ठीक <laughs> है और फॉर एवर है ना एवरग्रीन, हमेशा रहने के लिए ठीक है तो उसमें इसलिए भगवान यहाँ पे डिटेल में वर्णन कर रहे हैं क्योंकि व्यक्ति इसको सुने और उसमें है बुद्धि हो खराब बुद्धि का निर्माण करे बहुत आवश्यक है कोई कहे भगवान निंदा नहीं कर रहे हैं या मीठा मिठाई भगवान बोल रहे हैं तो नहीं है भगवान के आगे बहुत डांटने वाले हैं और ये श्लोक बहुत टाइट है मुझे तो डर है कि भाई आज कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए ठीक <laughs> है कुछ डंडे लोग डंडे लेकर के मुझे कुछ लोग ढूंढने नहीं आ जाए प्रभु जी कहाँ रहते हैं ठीक है सो कड़वा मतलब अब कड़वा का मतलब ऐसा नहीं कि बेकार नहीं भगवान बोल रहे तो कड़वा भी है लेकिन अमृतमय अमृतमय वचन है ठीक है लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको बहुत खराब लगेगा मैं पहले ही बोल देता हूँ आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को बहुत खराब लगेगा वो एकदम नहीं समझ सकते हैं इसको समझ नहीं सकते आसुरी व्यक्ति यह नहीं जान पाते हैं कि धर्म क्या है जिसे किया जाना चाहिए और क्या अधर्म है जिसे नहीं करना चाहिए ठीक है प्रपाजी जी की पूरी व्याख्या इसी पर फोकस करें फोकस है कि किस प्रकार से लोग अधर्म को ही धर्म मान रहे हैं ठीक है और वह क्यों नहीं जान पाते हैं आश्री व्यक्ति धर्म और अधर्म को क्यों नहीं जान पाते है? क्योंकि वह शास्त्र पर कोई विश्वास नहीं होता अथवा तोड़ मरोड़ वह शास्त्र को पेश करेंगे जैसे उन्हें बताया था कि हमारे एक भाई हैं हमने उनको पूछा कि भाई आप स्नान नहीं किए कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे तीन दिन से स्नान नहीं किया हो ठीक है लेकिन आज क्या होगा नहीं नहाए देखो क्या हुआ तुम नहा रहे हो क्या हो गया तुमको हम नहीं नहाते हैं चार दिन में क्या होता है कुछ नहीं होता है कभी कभी आप जानते हैं या नहीं लेकिन बिना जान पालन करने का भी फल प्राप्त हो जाता है जैसे हम लोग कल बताए कि प्रपा जी का एक मुस्लिम मित्र था तो वह प्रपा जी उसको प्रसाद के लिए बुलाए थे खाना खाने के लिए तो वह आए प्रपा जी को याद आया आज तो एकादशी है तो पूछे कि भाई तुम्हें मैं अन्न प्रसाद नहीं दे सकता तो उन्होंने कहा कि अरे मैं भी तो एकादशी में बोले अरे आप मुस्लिम होकर के एकादशी कैसे कर रहे हैं बोले तो हाँ क्योंकि हमने ऐसी ऐसी घटना देखी थी कि एक सेठ था और उस सेठ के सामने दो बड़े भयानक भयंकर पुरुष गप कर रहे थे कि इसे कल ले करके जाना है इसे कल मार देना है तो मैं जब कल आया तो देखा कि वह दोनों व्यक्ति हाथ मलते रह गए अरे मिस कर गया क्यों क्योंकि उसने उस दिन एकादशी कर दी थी गलती से क्यों क्योंकि उसकी पत्नी से लड़ाई हो गई थी और इस वजह से खाना नहीं खाया बहुत शक्तिशाली है हम लोग भगवत गीता की महिमा सुनते हैं हर एक चैप्टर की हम लोग महिमा सुन रहे हैं, सुन रहे 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 हैं 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 अब देख किस प्रकार से होता है जैसे तिलक लगाए केवल तिलक देखने मात्र से साठ हजार जनमो के पाप नष्ट हो जाते हैं बहुत अद्भुत है ये सब बहुत अद्भुत है और कैसे हो रहा है एक्चुअली एक चीज आप ध्यान दीजिए कि भगवान के पास अचिंत शक्ति है अचिंत शक्ति यू नो कि भगवान बड़े से बड़े चीजों को छोटा और छोटे से छोटे चीजों को बड़ा कर सकते हैं तो तिलक देखने मात्र से साठ हजार जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं बहुत अद्भुत है हमें एक्चुअली मतलब ये इन सारी छोटी छोटी चीजों की इतनी बड़ी मतलब महिमा है ना कि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं इतनी बड़ी महिमा तो है कमेंट करे प्रभु तब उसका क्या होगा कोई तो टिप्पणी करता है तिलकं ठिपे तो फिर भी देख तो रहा है ना देखने से भी उसका क्या कहते हैं एक सिंपल सा आंसर हो सकता है इसका कि जैसे देखते पराथ भी, पराथ भी है ना देखिए आप कृपया देखिए अगर वो देख भी रहा है ना तो भी उसके लिए अच्छा है इस पे एक कथा आती है कि एक व्यक्ति था देख रहे हैं तो फिर भी उनका सामने वाले का कुछ ना कुछ तो कल्याण हो ही रहा है टिप्पणी कस रहा है तो तो वैष्णव अपराध कर रहा है तब तो फिर गड़बड़ तो होगी ही इसमें कोई नहीं है कोई मतलब बात नहीं है लेकिन देख रहा है तो कुछ ना कुछ पाप फिर भी नष्ट होगा ठीक है जैसे भगवान को प्रणाम करने वाले का दोबारा जन्म नहीं होता है तो यह सब शास्त्र को प्रभु जी दोबारा जन्म ना लेने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और केवल कृष्ण को प्रणाम करने से कोई दोबारा जन्म नहीं लेगा ये कैसे हो सकता है अरे भाई वेद जी बोल रहे हैं कृष्ण परिणाम न पुनर् पुनर कृपया म्यूट रखेंगे ठीक है जब वेद जी बोल रहे हैं कि कृष्ण परिणाम न पुनर्भवाय देन क्या प्रॉब्लम है आपको भगवान बोल रहे जी बोल रहे हैं ऐसा कि कृष्ण को प्रणाम करने से दोबारा जन्म नहीं होता है और नहीं होता है ठीक है तो ये सब श्रद्धा के लक्षण हैं चौ चौ शब्द यहाँ दो बार आया है और यह इंगित करता है कि वे धर्म और अधर्म संबंधी शास्त्र के वचनों को नहीं जानते हैं ठीक है मतलब प्रवृत्तिम चौ निवृतिम च मतलब यह तुम करो वह भी नहीं जानते हैं या फिर जो धर्म के शब्द या वाक्य कहते हैं यह मत करो तो वह भी नहीं जानते हैं है ना तो वह नियमों का पालन नहीं करते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी वेदों के प्रति कोई आस्था नहीं है वैदिक आदेशों का पालन करने के लिए उनकी कोई बाह्य और आंतरिक शुद्धता नहीं है ठीक है लोग सवेरे उठ नहीं रहे हैं या फिर शराब पी रहे हैं गलत गलत काम कर रहे हैं अब ऐसा नहीं है कि उन्हें ज्ञान नहीं है ज्ञान तो है लेकिन विवेक नहीं है ठीक है ना कहते हैं जानते हैं कि शराब पीना हानिकारक है क्या तम्बाकू के प्लास्टिक होता है उसके ऊपर एक बहुत खतरनाक फोटो नहीं होता लाल कलर का सड़ा हुआ मुख का उसे देख करके भी खा लेते हैं ना तो तम इतना हावी है कि वह देखते हुए भी पश्यन अपनी न पश्चात वह देखते हुए नहीं देख पा रहा है ना तो सुनने के बाद भी देखने के बाद भी वह नजरअंदाज करता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओके तो आगे बढ़ते ठीक है तो नजरअंदाज करते हैं ठीक है अरे क्या नहाना धोना खाना पीने से क्या फर्क पड़ता है कुछ भी खा लेंगे कुछ भी नहा कभी नहाएंगे कभी, कभी नहीं नहाएंगे क्या फर्क पड़ता है नहीं जी पर फर्क तो पड़ता है बाह्य शुद्धता मेंटेन करना होता है आंतरिक शुद्धता मेंटेन करना होता है रूपा जी कितनी बार डांटते हैं आगे देखिएगा आप जी क्या क्या बताएंगे पूरा डेली नहाओ साफ रहो है ना तो ये सब बात रूपा जी यहाँ पे बताएंगे मनुस्मृति और अन्य स्मृति ग्रंथों के अनुसार वे आचरण नहीं करते हैं आप जानते हैं कि कैसे कैसे लोग कहते हैं क्या रे इसे ब्राह्मणों ने लिख दिया है दमन करने के लिए हमारा लोग कहते हैं सर

लेकिन आप जानते हैं कि भाई किस हम लोग चर्चा किए ना कि किस प्रकार से आ, क्या कहते हैं उसको आ, एक एक दूसरे दूसरे किस प्रकार से एक को मदद कर रहा है ठीक है जो ब्राह्मण के स्वभाव के हैं वह प्रवचन करें वह गीता भागवत समझ रहे हैं तो उस अनुसार से प्रवचन करें जो वैश्य स्वभाव के लिए स्वभाव के हैं वह भगवान के लिए धन इकट्ठा करें जो क्षत्रिय स्वभाव के लिए वह सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और जो शुद्र प्रवृत्ति के हैं जो शुद्ध स्वभाव के हैं वह फ्लावर्स उगा सकते हैं भगवान के लिए अन्न उगा सकते हैं भगवान की सेवा में लगा सकते हैं क्या दिक्कत है चारों तो डायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहे हैं क्या हमारा आँख हमारा सर हमारे पाँव का दमन कर रहा है नहीं भगवान बोल रहे ये चारों मेरे अंग हैं तो इसमें दमन करने वाली क्या बात हो गई ठीक है तो ये दमन करने ऐसा नहीं है वे वैसा सत्य नहीं बोलते हैं जो तथ्यों को यथावत प्रस्तुत करे और जिससे जीवों का लाभ हो जैसे भगवान कहे हैं मक्त परंत्र नान्यत किंचित अस्थि धनंजय भगवान कहे ना मुझसे परे नहीं है अब इसकी व्याख्या वो दूसरे तरीके से करेंगे ये भी आसुरी सब सव... ये ये कलयुग में बहुत ज्यादा है ध्यान रखें हरि बोल ये। तो ये कलयुग में ये चीज बहुत बहुत ज्यादा चल रहा है है ना जैसे हमने चर्चा किया था वो सर्वस्यम चा सर्वस्व चाहम न हृदि सन्नविष्टु है ना उस लोग तो उस पर क्या था वो असम के राजा ने एक ब्राह्मण को बुलाया और पूछा बताइए महाराज इसका क्या उद्देश्य है तो महाराज गहन चिंतन में चले गए और चिंतन में जाने के बाद क्या बोला महाराज इस श्लोक का अर्थ मुझे समझ में आ गया यहाँ भगवान कह रहे हैं सर्वस्थ चाह सभी जीव को चाय पीनी चाहिए और राजा भी मान लिए तोड़ मरोड़ के प्रोस कर रहे हैं मन मना भव मद भक्त मध्याजी अरे भगवान अपने को प्रणाम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म छुपा है ना उसको प्रणाम कर रहे हैं शरणम भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण में लेकिन वो कहेंगे नहीं उनके अंदर जो बैठ करके बोल रहा है उसको प्रणाम करना है तो इस तरह से राक्षसी और आसुरी विचार वाले लोग भगवान की बातों को तूर मड़ोर कर प्रस्तुत करते हैं उसी कारण से एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना प्रभुपाद जी की भगवदगीता आप पढ़िए और इससे भी पहले बहुत सारी भगवत गीता हमने खुद पढ़ी है भगवत गीता कल इस पे प्रश्न हो रहे थे बहुत सारे हमने खुद भगवत गीता पढ़ी है एक व्यक्ति में सजेस्ट भी कर रहे थे प्रभु जी आप इनकी भगवत गीता पढ़ो ठीक है ओके इन फ्यूचर अगर कभी समय मिला तो पढ़ूंगा लेकिन अभी हमारे लिए यही इनफ है दैट इज इनफ फॉर मी मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ लोगों ने गिफ्ट भी किया है बहुत सारे भगवत गीता लेकिन आई थिंक मैंने प्लास्टिक भी ओपन नहीं किया है अभी तक ठीक है तो हमारे लिए इनफ है आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स ठीक है अब देखिए हमने खुद पढ़ा है आपको मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं आप जानते हैं कि मैं शुरुआत से इसको में नहीं हूं आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि प्रभु जी आप बचपन से इसकोन में नहीं इससे पहले मैं अन्य अन्य संस्थाओं में हूं अन्य संस्था में हूं ठीक है और दीक्षा होकर के फाइनली मैंने इसको ज्वाइन किया बट नाउ अब फाइनल हूं अब यहां से नहीं जाने वाला हूं क्योंकि तो जो वास्तविक ज्ञान है पता चल गया है ना प्रपा जी की गीता से भी पहले भगवत गीता पढ़ा लेकिन व्यक्ति मतलब भक्ति नहीं सगी ठीक है पढ़ा है ना जब हर पन्ने में प्रूफ हो रहा है कि कृष्ण भगवान है कृष्ण भगवान है फिर भी तोड़ मरोड़ के प्रवेश इसको लोग पेश करते हैं गुरु महाराज इस पर बहुत सुंदर कहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मत है कुछ लोगों का ऐसा मत है कि वो कहते हैं अरे भगवत गीता इतना अच्छा ग्रंथ है इसको एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है, है? इसको एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है इसको निश्चित दो चार व्यक्ति मिल करके बोला होगा लेकिन आप जानते हैं जो बोल रहे हो मूर्ख है क्योंकि भगवान अकेले ही बोले ठीक है उनको कॉमन व्यक्ति सोचने की हिम्मत ना करें ठीक है उसी प्रकार से यत और जो जो भक्तों को विश्वास है ना वह भगवान की जो शिक्षा है उसको उसी प्रकार से वह यथावत प्रस्तुत करते हैं ठीक है तो उनको यह नहीं पता है कि वह स्वयं भगवान है जिन्होंने इस भगवत गीता को बोला है उनकी शिक्षाएं जो थर्ड पर्सन लिख रहे हैं भगवत गीता को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ उसके विषय में बता रहे हैं शिल प्रपात उनकी शिक्षा क्षमा चाहूंगा बलदेव विद्याभूषण जी कि उनकी शिक्षाएं गीदड़ और गिद्धों के शोर के समान होती है कोई कहे कि प्रभु जी भगवान डांट नहीं रहे डांट नहीं रहे देखो कितना डांट रहे उनकी शिक्षा है गीदड़ की तरह गीदड़ समझते है ना आचार्य अगर सामने बोल रहे हैं ना क्यों गीदड़ और गिद बोल रहे हैं क्योंकि वह केवल हाव हाव वाह हाव, हाव करते रहते हैं और उसे केवल नींद ही डिस्टर्ब होता है जैसे कल कुछ लोगों ने हम लोगों को परेशान किया था बट खैर भगवान की कृपा है इट्स कोई असर नहीं ठीक है तो केवल समझ रहे वो प्रवचन सुन करके केवल व्यक्ति के हृदय का कोई मतलब शुद्धता नहीं होगी और उनके बातों से पता चल रही थी जिस प्रकार के शब्द वो लोग यूज कर रहे थे उन शब्दों से पता चल रहा था कि दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम जहां पे भी जाए मैं किन्हीं की निंदा नहीं करना चाहता लेकिन जहां पे भी जिस संस्था से भी हो जस्ट वो लोग वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को ना कोई नम्रता है ना बोलने की तमीज है तो अब अब आप तो कह रहे शास्त्र पढ़ रहा हूं शास्त्र से बोल रहा हूँ शास्त्र से बोल रहा हूँ भाई ये नॉर्मल लैंग्वेज भी नहीं है आप एक भक्त के विषय में बात कर रहे हो और एक नॉर्मल लैंग्वेज भी यह नहीं है तो फिर आप शास्त्र की बात कहां से शास्त्र भाई तो अब देख ही रहे हैं इस प्रकार से होता है ठीक है तो ऐसे वचन को सुन करके कोई आत्मबोध नहीं होता है बस टाइम पास होता है और गंदे बन जाते हैं और जब भक्त लोग पूर्ववर्ती आचार्यों की बातें को बोलते हैं तो क्या उसका प्रभाव होता है बहुत प्रभाव होता है है ना आप देख रहे हैं ना इसीलिए यही कारण है कि लोग डरते हैं इसको उनके भक्तों से अरे आ जाएंगे शुद्ध ज्ञान दे देगा दे उसे सुन शुद्ध गीता दे देगा दे दे उसे पढ़ करके हमारा बच्चा जो भोग में फंसा हुआ है वह छोड़ करके भक्ति में चला जाएगा देखिए शास्त्र अब एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल जो लोग आप लोगों से प्रश्न कर रहे थे उन समझिए इस बात को क्यों वह प्रश्न कर रहे थे ठीक है शास्त्र के दो प्रकार के अर्थ होते हैं इसको समझ लीजिए आप लोग आप लोग के मन में प्रश्न होगा प्रभु जी वो लोग भी शायद पता नहीं है इस श्लोक था अब इसको समझिए इस चीज को एक बार मैंने पहले भी चर्चा किया है कि शास्त्र के श्लोक के दो प्रकार के अर्थ होते हैं एक अभिधावृत्ति अभिधावृति और दूसरा होता है गौन वृत्ति कौन सी अविधावृति और गौन वृत्ति ठीक है अभिधा और गौण तो देखिए अब अभिधा और गौन क्या होता है तो जब शास्त्र का वचन एकदम स्पष्ट है और डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो अभिधा नहीं उसका हो गया अभिधा है ना अभिधावृत्ति हो गई उसकी वो एकदम समझ में आ रहा है उसमें कुछ आपको समझने की एकदम एकदम जैसा वैसे उसको एज इट इज ग्रहण कर लेना है लेकिन यदि उसका अर्थ ठीक नहीं बैठ रहा है तो गौन अर्थ लिया जाएगा जैसे भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्व पर्व वो मैं सभी का स्रोत हूं इसमें एकदम अर्थ स्पष्ट है तो फिर हमें यहां पर गौन अर्थ लेने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन जैसे अभी हम लोग गजेंद्र स्तुति में पढ़ रहे हैं गजेंद्र स्तुति आप लोग पढ़ रहे हैं ना क्या पढ़ रहे हैं? हैं क्या पढ़ रहे गजेंद्र स्तुति में भगवान गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अब वहीं पे, पे हम लोग पढ़े कि भाई भगवान का कोई रूप नहीं है कोई नाम नहीं है कोई लीला नहीं है तब हमारे मन में प्रश्न आ गया प्रभु ये तो फिर ये क्या बात हो गई हम लोग दिन भर भगवान भवदीता में कह रहे हैं जन्म कर्म नाम रूपे गुण दोष अनुकाल मृक्ष अब यहां पर आपको फिर गौन अर्थ के अनुसार से जाना पड़ेगा समझ रहे इसको हमें पहले समझ में नहीं आया लेकिन जब हम लोग आचार्यों के माध्यम से श्रीधर स्वामी अथवा अन्य आचार्यों के माध्यम से गए तो हम समझ गए कि क्यों इस प्रकार से बोला जा रहा है कि भाई भगवान के भौतिक नाम नहीं होते हैं भौतिक जन्म नहीं होते भौतिक कर्म नहीं होते भगवान के जन्म कर्म नाम रूप लीला इत्यादि दिव्य है है ना अब जैसे अगर को कहे कि भाई वह स्वामी जी का आश्रम गंगा जी में है तो यहां पर इसका क्या अर्थ हुआ बताइए संतोष प्रभु क्या इसका अर्थ हुआ गंगा जी के तट पे है अंगिता माता जी आपको क्या लगता है गंगा जी में स्वामी जी चार पांच पीलर खड़ा किए होंगे और पानी में बनाए होंगे मंदिर क्या आश्रम क्या लग रहा है आपको श्रेया माता जी क्या इसका अर्थ होगा वही तट पर यस yes, गंगा जी के साइड में तट पर स्वामी जी का आश्रम है समझ रहे अब कोई कहे कि अरे क्या बोलूं अब मैं जैसे अगर कहे कि भाई हाँ मान लीजिए कहे अरे संतोष प्रभु शेर है एकदम शेर तब आप तो जानवर हो गए है हाँ? इसका क्या मतलब हुआ समझाइए आप ही अरे बोल नीडर है नीडर है प्रभु जी नीडर है समझ रहे हैं यहाँ पे क्या लेना पड़ रहा है आपको डायरेक्ट अर्थ ले रहे हैं मतलब अविधा अभिधा अर्थ ले रहे हैं कि गौन अर्थ ले रहे हैं बताइए क्या ले रहे गौन 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 अर्थ? अर्थ? अगर अभिधा अर्थ लेंगे तब तो संतोष प्रभु हो गए जानवर क्षमा चाहूंगा मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ समझ रहे ना? तब तो हो गए हाँ भाई वो तो एनिमल हो गए फिर तो संतोष प्रभु फिर तो एनिमल हो गए लेकिन अगर इसका अभिधा अर्थ लेंगे तो व्यक्ति समझ सकता है ओ माई गॉड इसका मतलब है संतोष प्रू बहुत पहलवान आदमी है। वेरी ब्रेव बॉय बहुत अच्छा व्यक्ति है इस प्रकार से समझ रहे हैं ना तो इस प्रकार से शास्त्रों के अर्थ को भी समझना पड़ेगा हमें अब इसके लिए यहां पर जोर रही है कि हम प्रमाणिक आचार्यों के आचार्यों के द्वारा कहे गए शब्दों को हम समझे समझ रहे हैं, हैं? एकदम एक, क्लियर है इसमें फिर घुमाने फिराने की बात नहीं है तो अगर बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान है भगवान है तो फिर घुमाने फिराने जैसा है क्या तो यह सब बातें हमें क्यों बोल रहे हैं कि जब शास्त्र का ज्ञान सीधा जिया दिया जाता है ना अविधा रूप से तो वह परम कल्याणमय होता है समझ रहे हैं अविधा अविधावृत्ति के अनुसार अगर डायरेक्ट दिया जाए तो एकदम वह कल्याणमय है लेकिन अभी अगर जो डायरेक्ट है उसका भी मीनिंग आप गौन तरीके से तोड़ मरोड़ के ले रहे हैं अब तो फिर गलत हो जाएगा समझ रहे हैं अभिदावृत्ति के अनुसार और गौन अर्थ के अनुसार से जैसे एक ही नाम के एक ही नाम में है, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तो इसमें कुछ और समझना है नहीं, नहीं एकदम क्लियर है भागवत का श्लोक है और यथावत तो, है इसमें कोई अर्थवाद करे तो कुछ भी नहीं है अरे एक नाम में कैसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं प्रभुजी अरे हो जाते हैं भगवान बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुम एक बार नाम बोलो मैं तुम्हें भगवत धाम लेकर के जाऊंगा क्या दिक्कत है अब ये अलग बात है कि नाम तुरंत अपना प्रभाव नहीं दिखाता है लेकिन है लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं यह तो लोगों को डराने के लिए बोल दिया जा रहा है यह सब बातें करने से लोग भ्रमित होते हैं ध्यान तो देना चाहिए कि मतलब उनकी श्रद्धा शास्त्रों पे नहीं है केवल ब्राह्मणों ने लिख दिया है तो यह सब क्या है गिदड़ों की शोर की तरह है। समझ रहे हैं और गिद्ध क्यों कहा जा रहा है गिद्धों के शोर के समान होते हैं क्योंकि गिद्ध कहां पे इकट्ठा होता है जहां पे मांस पड़ा होता है सड़ा हुआ समझ रहे हैं और एक गिद्ध आता है और इशारा करता है अरे आ जाओ आ जाओ यहाँ बहुत सारा मांस पड़ा हुआ है बहुत सुंदर है आ जाओ तुरंत एक गिद्ध सबको बुलाते हैं एं, एं करके पूरे गिद्ध को बुला लेते हैं हमें याद है जब हम लोग बचपन में गांव में रहते थे तो गिद्ध आते तो थे तो गिद आ देते। और एक गिद्ध आता था, था और पूरा जंगल जो है गिद्धों से भर जाता था बहुत जोर जोर से मतलब इस प्रकार से गंदे मांस को ढूंढते थे है ना या और कोई समझ रहे कोई फालतू विषय जैसे वैदिक शास्त्रों की चर्चा हो तो कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन वही वैदिक शास्त्रों को एकदम अगर तोड़ मरोड़ के बोलने की बात तब तो हम सबसे आगे रहेंगे जी <laughs> तो ऐसे आसुरी लोग हैं और वैदिक शास्त्रों की चर्चा नहीं करेंगे वो बस उसको तोड़ मरोड़ कर अच्छे तरह से पेश करेंगे या फिर फिर अखबार पे दे दीजिए गर्दा एकदम बुरा चिल्लाते रहेंगे जोर जोर से चर्चा करेंगे या फिर कोई फालतू विषय पर चर्चा करेंगे बहुत जोर-जोर से प्रचल्प करेंगे और कहो हरे कृष्णा जप करेंगे नहीं हम दिखाते थोड़ी हैं हम अंदर ही अंदर कर लेते हैं समझ रहे हैं हम अंदर ही अंदर कर लेते हैं हम दिखाते नहीं हैं अन्य बातें जोर से बोलेंगे लेकिन भगवान का नाम धीरे-धीरे बोलेंगे ठीक है यस ब्रो तात्पर्य जी बोल हरे कृष्णा तात्पर्य बहुत बोल ना एकदम गड़ा इसलिए जो सुन पाए एकदम सुनिए आत्पर में शिरप जगतगुरु शिलाप्रवपात् कह रहे हैं प्रत्येक सब मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है हम्म स्पष्ट है कि नियम जानवरों के लिए होते हैं इंसानों के लिए नहीं होते हैं विशेषता अरे अरे क्या हो रहा है वेट करिए नहीं प्रभु तो जी गलत बोले अच्छा गलत बोला ओके क्या होता है नियम किन के लिए होते हैं इंसानों के लिए होते हैं जानवरों के लिए नहीं है और जब हम नियम का पालन करते हैं ना नियम का पालन करते हैं तो उसका दो प्रभाव होता है एक तो हम दुर्गति से बचते हैं और दूसरी सदगति को प्राप्त होते हैं उन्नत होते हैं इसलिए बोल रहे हैं कि इंसानों के लिए नियम होते हैं धर्म का आचरण इंसान ही कर सकता है जानवर नहीं कर सकता है यस प्रभु विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं इनका पालन करते हैं इसका जैसे मनु संहिता इत्यादि जो ग्रंथ है उसका यस किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं मैंने पहले ही कहा था बहुत बोल्ड है इस। इसलिए यहाँ कहा गया है कि असुरगण ना तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं ना उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है उनमें से अधिकांश इन नियमों को जानते ही नहीं है और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती हम्म उदाहरण दिए ही थे जैसे सवेरे उठना चाहिए प्राय जानते हैं फिर भी नहीं उठेंगे और फिर भी आप बोल भी दीजिए तो फिर भी उठने की क्षमता नहीं होती इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भाई साढ़े चार बजे इसकोन में मंगल आरती कैसे हो जाता है विश्वास ही नहीं होता है जब हम भी पहली बार गए थे तो हमें भी विश्वास नहीं था बोले साढ़े चार बजे मैं तो बड़ा आराम से था रात को एकदम तो बहुत मायापूरी गया था और बहुत अद्भुत था मैं तो घूम रहा था घूम रहा था प्रभु जी बोले अरे सो जाओ सवेरे उठना है मैं बोल प्रभु जी उठ जाऊँगा छः बजे सात बजे ये सोचा था जनरली छः सात बजे उठ जाना है बोले साढ़े तीन बजे तीन बजे उठ जाना तब मंदिर घुस पाओगे फिर अंदर गया रूम में तो जो प्रभु जी हमारे साथ रूम पार्टनर थे वो बोलते

से सब प्राय दिव्य लोग हैं जो चार बजे कभी उठे नहीं है भक्ति में आने से और कभी कभी उठना भी होता था ट्रेन इत्यादि पकड़ने के लिए तो रात को सोते ही नहीं थे क्योंकि दो तीन बजे सोते थे बहुत सारे ऐसे लोग हैं है ना यस yes. उन्हें ना तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है ना ही वे अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं Yes, कोई सूक्ष्म को समझना ही नहीं है बस केवल भोग ही जीवन है इसके अलावा और कुछ नहीं यस yes, असुरगन ना तो बाहर से ना भीतर से स्वच्छ होते हैं हम्म प्रपा जी यहाँ पे देखिएगा एक एक चीज खोल खोल करके बता रहे हैं पढ़िए मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके दंत मंजन करके बाल बनाकर वस्त्र बदल कर शरीर को स्वस्थ रखे आप देख रहे हैं हैं? तक क्या क्या बता रहे क्यों? क्योंकि की स्थिति बड़ा खराब है लोग नहीं कर रहे हैं कौन नहाना जाता है सवेरे सवेरे और वैसे भी आजकल तो कुछ महात्मा लोग हैं जो बिना ब्रश किए ही सबसे पहले उनको क्या चाहिए चाय चाहिए अरे प्रभु जी जब तक हम चाय नहीं पीते ना थोड़ा पेट क्लियर ही नहीं होता है समझ रहे हैं इस प्रकार से बहुत सारे महात्मा लोग हैं जो इस प्रकार से कार्य करते हैं तो वो असुरी गुण ही है ठीक है यस जहां तक आंतरिक स्वच्छता की बात है मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे यस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे आप जानते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से हृदय की सारी गंदगी साफ हो जाती है है ना कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अगर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेगा ना तो वह शुद्ध हो जाएगा वो ही जाएगा एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप देखें तो जब व्यक्ति हरे कृष्ण करता है ना तो उसकी बाह्य शुद्धि भी होने लग जाती है तो उसको अपने आप ही साफ सुथरा रहना अच्छा लगता है उसके हृदय में सतोगुण बढ़ेगा और उसको गंदा रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो अगर जब कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं तो सतोगुण बढ़ना चाहिए और स्वयं ही गंदा रहना अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं मतलब क्या कहते हैं अपने आप हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाई अपने आप को हम क्या करें अपने आप को अथवा अपने आसपास को बहुत स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए व्यक्ति स्वच्छ रहेगा तो आसपास स्वच्छ रहेगा तो मन गुण का वास होगा और नहीं तो आप देखेंगे रूम की सामान अगर बिखरे हुए ना तो मन बहुत व्याकुल होता है बहुत व्याकुल होता है ठीक है गंद, एक बार नहीं तो प्रैक्टिकल देखिएगा गंदा रह करके और साफ रह करके आपको अनुभव होगा और एक बात यह भी है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप हरे कृष्ण कर रहे हैं तो आपको हरे कृष्ण क्या कहते हैं उसको गंदा रहने का लाइन सेस दे रहा है है ना ऐसा नहीं है कि आपको साफ सुथरा नहीं भक्त का लक्षण है ये आप नहीं कह सकते हैं कि मैं गंदा रह रहा हूं और मैं सतोगुण में हूं इस सोल्यूशन में नहीं रहिएगा यही कभी मत सोचना गंदा है तो तमोगुण में रह रहे हैं यह नामुमकिन है जो व्यक्ति सत्गुण में रहता है वह साफ़ सुथरा ही रहेगा पहले ध्यान रखें भगवान कृष्ण की सेवा में बहुत सफाई की जरूरत है कृष्ण एक साफ सुथरे कीचन से भोग स्वीकार करते हैं बहुत ध्यान से अगर कोई ड्यूटी वर्सीव कर रहा है ना तो उसे कर बहुत ध्यान से रखना ध्यान देना चाहिए ध्यान रखिएगा सारी बाह्य हमारी बाह्य स्वच्छता हमारी आंतरिक स्वच्छता प्रभावित करती है प्रभावित करती है हमारे स्कोन में आते होंगे देखते होंगे तो जो डी डी वर्सिप कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़े पहनते हैं और डी टी वर्सिप करते हैं स्नान इत्यादि करते हैं है ना तो ये बहुत अच्छा है और कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ पे आप जानते हैं लंगोट पे ही पूजा कर दी जाती है तो ये सब सही नहीं है इस प्रकार से भगवान की शुद्धता के साथ अच्छे से वस्त्र के साथ भगवान को पूजा अर्चन करना चाहिए यस

टोटली थे मुगुन क्या स्थिति है बहुत अच्छे परिवार से थे वो काफी पैसे वाले परिवार से थे जस्ट ट्यूनिंग हिज लाइफ लाइक दिस मुझे बड़ी फिगर हुई बोले आह भगवान ने कितना अच्छा जन्म दिया है लेकिन किस प्रकार से व्यर्थ गवा रहे जीवन को यस जहां तक आचरण की बात है मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं जैसे मनुसंहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। है हम्म, जैसे कोई कहता है भाई प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए कहाँ लिखा है मनु में लिखा एकदम है। एकदम स्पष्ट हम नहीं मानते हैं ठीक है फिर दुख भोगो भोगो हमें क्या है यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनुसंहिता का ही अनुगमन करते हैं इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है हम्म है ना वो जो उत्तराधिकारी के बड़े पेट बड़े लड़के को उत्तराधिकार होना चाहिए ये सब कैसे मनु से ही होता है ध्रुव जैसे भगवान श्री रामचंद्र को ध्रुव महाराज को मिला तो ये सब कहाँ से आता है मनु से यस yes, प्रो मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता स्त्री को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए ठीक है अब थोड़ा सा सब्र करिएगा अगर मन में प्रश्न आवे तो ठीक है नहीं तो कुछ माता जी लोग तो मुझे कल ढूंढने के लिए आएंगे प्रव जी वेर आर यू हमारे पास डंडे हैं लेकिन सब्र करिए और इसको अच्छे से सुनिए कि छोड़ दे इसको पढ़ने के लिए नहीं ठीक है हमारा कर्तव्य है कि हम शुद्ध ज्ञान दें ठीक है अगर बुरा लगे तो हम कुछ नहीं कर सकते यस प्रो इसलिए मैं पहले ही बोल रहा था कि मैम बहुत डर रहा हूं। बहुत बोल्ड प्रवचन है पड़ी। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए yes. वे तो बालकों के समान हैं बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी और वे लोग सोचने लगे कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए उसके बाले काल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए तारुण्य में पति के द्वारा और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा मनुसंहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकार पूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है अत अब विवाह एक कल्पना बन चुका है स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है देखिए अब थोड़ा ऑब्जेक्शन हो सकता है कुछ कमेंट्स आए क्या इस गॉड oh अभी तक नहीं आए वेरी गुड ठीक है कुछ आ गए देखो अच्छा अरे देखिए थोड़ा ऑब्जेक्शन हो सकता है लेकिन जो है सो तो है ठीक है देखिए भगवान की ऐसा व्यवस्था व्यवस्था है मैं नहीं कह रहा हूं ध्यान रखिएगा भगवान की ऐसी व्यवस्था होती है कि दर्शन में पुरुष लोग थोड़े ज्यादा बुद्धिमान होते हैं दर्शन में थोड़ा वो आगे होते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माता जी लोग बुद्धिमान नहीं होती है या फिर मूर्ख हैं देखिए मैं ये बोल रहा हूँ तो उसको ये ही समझिएगा तभी आप समझ पाएंगे अगर मैं ये बोल रहा हूँ उसको ये प्लस या फिर ये माइनस अथवा बी या जेड समझ रहे हैं आप तो नहीं समझ पाएंगे क्लियर है समझिए इसको ऐसा भगवान की व्यवस्था है कि माता जी लोगों की बुद्धि थोड़ी कम होती है दर्शन में ठीक है माता जी लोग प्राय भावुक होती हैं, उनको बहकाना बड़ा आसान होता है इसीलिए शास्त्र बोल रहा है कि उन्हें संरक्षण में रहना चाहिए अब कलयुग में ये बहुत बड़ा दोष है कि स्त्री ही नहीं जो पुरुष हैं जो बच्चा है उनको भी वैदिक सभ्यता के अनुसार शिक्षा नहीं दिया जा रहा है ना ट्रेनिंग दिया जा रहा है आप सुन ही रहे होंगे आज किस प्रकार से माता जी लोगों को मार दिया जाता है दहेज के लिए या अन्य बहुत कुछ होते रहता है है किस प्रकार से उनका गलत गलत कार्य करके मार दिया जाता है, जला दिया जाता है और ना क्या क्या, क्या किया जाता है तो खैर मैं यह बोल रहा हूं कि उनको संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है रूपा जी बोल रहे हैं कि उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है तो यह विचार आ रहा है स्त्रियों को कि भाई नौकरी करना चाहिए मुझे भी नौकरी करते तो आज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता अपने पाँव के ऊपर खड़ा रहता और ये व्यक्ति जो आज मुझे डाइवोर्स दे रहा है ये मुझे कुछ बोल नहीं पाता या फिर बाहर जाकर पुरुषों के बराबर होना चाहिए कृपा जी यह तात्पर्य लिखे हैं जिस समय तो उस समय भारत की ऐसी स्थिति नहीं थी वह अमेरिका की स्थिति को देख करके लिख रहे हैं ठीक है इस चीज को ध्यान रखिएगा और वह समझ रहे हैं इसका कारण क्या है इसलिए वो लिख रहे हैं और किस प्रकार स्त्रियों की स्वतंत्रता के नाम पर असुर गुण वाले व्यक्ति उसको भोगने के लिए अपने घरों से बाहर निकलवाते हैं 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 आप जानते जानते जैसे हम लोग सीता के प्रसंग में सुनते हैं कि, कि किस प्रकार से देवी सीता आभूषण पहनी हुई थी किस प्रकार से वस्त्र पहने थे कि उनके शरीर का एक भी अंग नहीं ठीक रहा था या महाप्रभु की लीला में देखते हैं कि जब निमाय पंडित का जन्म हुआ तो सीता ठकुरानी जी जो वृद्ध महिला है अद्वैत आचार्य की पत्नी है एक पालकी में आई है कुछ गिफ्ट लेकर के निमाय पंडित के लिए और इस प्रकार की आए कि उन्हें कोई देख नहीं पाए तो इससे वास्तव में स्त्रियों की मर्यादा बनी रहती है अब कोई व्यक्ति कहे कि रहे खाली स्त्रियों की बात कर रहे हैं प्रभु जी पुरुषों के विषय में नहीं कह रहे हैं तो व्यक्ति को अपना धर्म पालन करना चाहिए आप देखिए जहां पर यह बताया जा रहा है कि हमारा माता का कोई अंग नहीं दिखना चाहिए आज की जनरेशन में आप देखिए उसका क्या हो रहा है सीधा उल्टा हो रहा है आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे है? और अगर कोई उस पर प्रश्न करे कि भाई इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनने चाहिए तो डायरेक्ट यही जवाब होता है कि प्रभु जी आप अपनी आंखें सुधार लो ना ये क्या मूर्खतापूर्ण खैर हमें तो बहुत अच्छा लगा एक एक बार हम लोगों ने सेशन किया था भक्ति परीक्षा में और माता जी लोगों का जो इस आया वेरी नाइस और सभी अच्छे पढ़े लिखे माता जी है ना सब जो रिस्पॉन्स दिया था वो मुझे बहुत पसंद आया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था तो खैर मैं खाली ये कहना चाह रहा था कि भाई इस प्रकार से लोग करते हैं है ना लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये बेकार की बातें हैं इस प्रकार से सही नहीं है और आप जानते हैं वो जो माता जी लोग इस प्रकार से कर रहे हैं और अगर कोई व्यक्ति मतलब उसे क्या हो रहा है पता नहीं हो रहा है भोगों में और वृद्धि हो रही है रुचि हो रही है तो इसका दोस्त होने लगेगा तो भयंकर फंसे वो ध्यान रखना चाहिए तो अब खाली कहे कि प्रभु जी स्त्रियों की बातें कर रहे हैं प्रभु जी पुरुषों का नहीं तो हर व्यक्ति को अपना धर्म पालन करना चाहिए जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं पुरुषों का भी धर्म है क्या ब्रह्मचरित का पालन करें पत्नी का बच्चे का ध्यान रखे देखिए पति का अर्थ क्या है है मालूम इति पति जो पालन करे वो पति है अब तो खैर पालन करते नहीं है ना पति ना पत्नी दोनों वाइफ हस्बैंड जाने हैं जॉब पे पालन करता है दाई दाई के संस्कार हो जाते हैं बच्चों में सब लोग नौकरी करने जाते हैं और बच्चे का फिर कोई संस्कार ही नहीं हो पाता है कोई संस्कार नहीं है बच्चों में कोई संस्कार नहीं कौन देगा फिर वो बच्चे क्या करते हैं जैसे इन्होंने दाई के भरोसे छोड़ा वैसे वह अपने माता पिता को बाद में वृद्धा आश्रम के भरोसे छोड़ देते हैं वार्डन के भरोसे छोड़ देते हैं बेटा तूने मुझे ऐसे ही छोड़ा था ये होना चाहिए लाजमी है ये होना एकदम कॉमन बात है उसमें संस्कार ही नहीं है ना प्रेम है ही नहीं या फिर माता जी लोगों का कि हमारा शरीर खराब नहीं हो जाए तो अपने बच्चों को स्तन नहीं पिलाती है दूध नहीं पिलाती है तो इसका भी कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है ये कैंसर बढ़ रहा है और कितनी बीमारियां फैल रही है और बच्चों में अब देखिए अगर माताओं का एक कर्तव्य है कि वो बच्चों को दूध पिलाए अगर नहीं पिलाया ना तो फिर वह प्रेम बच्चों के प्रति हो ही नहीं सकता है और एक सबसे बड़ा है कि इस जमा अब 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 के समाज में सबसे बड़ा अस्त्र जो माता जी लोगों का है उसे ये छिना जा रहा है क्या है अस्त्र सेवा और समर्पण भले ही उनकी बुद्धि बहुत दार्शनिक नहीं होती है लेकिन सेवा और समर्पण जो है ना बहुत जरूरी है और उनमें बहुत होती है बहुत होती है भक्ति में स्त्रियों में सहज रूप में होता है भक्ति तो माता जी लोगों में समर्पण बहुत सहज होता है लेकिन आज उनके परिवार वाले ही हस्तक्षेप करते हैं शादी होने के बाद माता जी फोन करते ओ तू अपनी पति की सेवा कर रही है देख मेरा पति घूमने के लिए गया है

पूर्व परिवार के लोग गलत ढंग से आपको गाइड कर रहे हैं बेटर टू डिसकनेक्ट उनसे डिस्कनेक्ट रहिए। नहीं तो वह आज की जो स्थिति हमने देखा है हमारे जीवन में कि ये अपनी अपनी ही बेटी के जीवन में जहर घोल देती है ठीक है सेवा भाव खत्म कर देती है और फिर बात डाइवोर्स तक लेकर के चले जाती है और यह बहुत बड़ा गल, बहुत गलत है आप बोले तो लौकिक बातें कर रहे हैं आप यस आप थोड़ा विचार करना अगर हमारे माता पिता बचपन में अलग हो गए होते तो कैसे लगता आज हमें तो आप कह सकते हैं कि ये सब लौकिक बातें हैं यहाँ क्यों हो रहा है तो लौकिक जी मानता हूं लेकिन भगवत गीता एक बहुत ही प्रैक्टिकल ग्रंथ है बहुत ही प्रैक्टिकल और बता रहा है कि किस प्रकार से मनु मनुसंहिता से चले तो सामाजिक अव्यवस्था से हम बच सकते हैं अगर कोई भक्त है और उसकी पत्नी छोड़ के चला जाए तो क्या वह भक्ति अच्छे से कर पाएगी नहीं कर पाएगी हम्म कर पाएगी नहीं कर पाएगी भक्त छोड़ो दूसरे लोग भी जो बहुत दुखी दूसरे लोग जो भक्त नहीं वह भी बहुत दुखी हो जाते हैं ना तो व्यक्ति अगर परेशान होगा तो वह कैसे भक्ति का भजन कर पाएगा आवश्यक है कि स्त्रियों को भी ट्रेनिंग दिया जाए पुरुषों को भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वह अपने पति अपने परिवार का दायित्व उठा सके मैं मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जो अच्छा खासा पैसा कमाता है और उसने कहा कि मैं मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो आकर के बैठ करके खाए बोले मैम बोलो भाई बैठ कर क्यों खाएगा वो आपके लिए आप, आपके लिए खाना बनाएगी आपको अच्छे से रखेगी नहीं 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 मैं खुद से एक गिलास पानी ले सकता हूँ खाना बना सकता हूँ खाना तो खैर बनाते नहीं है बाहर ही खाते हैं और मुझे एम्प्लॉय पत्नी चाहिए तो वहाँ पता चल रहा है साफ साफ कि वह ट्रेंड नहीं है उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपने जीवन को जी सकता हूँ अपने बल पर तो ऐसे व्यक्तियों से विवाह भी नहीं करना चाहिए जो हमारा दायित्व नहीं ले सकता उससे दूर रहो ठीक है आप लोगों को लग सकता है कि प्रभु जी आज आप थोड़े लौकिक बातें कर रहे हैं लेकिन ये सत्य है क्योंकि अगर आपकी भक्ति आपके जीवन में गड़बड़ी हुई ना भौतिक जीवन में तो भक्ति में भी गड़बड़ी हो जाएगी हमने देखा है वो उसे अच्छे पैसे मिलते हैं एक लाख लेकिन फिर भी उसे कॉन्फिडेंट नहीं है अपने जीवन में कि मैं अपने पत्नी और अपने बच्चों का जीवन का पालन अपन कर सकता हूँ मेरी पत्नी भी जाए कमाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पति दायित्व ले है ना तो यह सब बातें बहुत आधुनिक है एक माता जी ने मैं मैसेज किया था कि प्रोजी मेरे पति जबरदस्ती मुझे फोर्स फोर्स कर रहे हैं कि मैं जॉब पे जाऊं जबकि भी मेरी मेरे, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं सोचो तो वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं इसको असहाय अवस्था में मुझे मैसेज की थी मैं क्या कर सकता हूँ इसीलिए पहले ही शादी से पहले ये देख लेना चाहिए कि भाई वह ठीक से हमारा पालन तो कर सकता है ना है ना है। वैसे ये चीजें बहुत आजकल फैल रही है वैसे शिला प्रपात एक विशेषकर एक, एक जगह लिखते हैं कि भाई न, अमेरिका और ब्राजील में क्या होता है कि कुछ मन चले आते हैं और वह लड़कियों का भोग करते हैं और भोग करने के बाद क्या होता है जब घर में बच्चे आते हैं तो उसे छोड़ करके चले जाते हैं पालन नहीं करना है हमें अब जो कुछ अच्छे माताजी हैं वह क्या करते हैं बच्चों को जन्म देती हैं और जीवन भर उस बच्चे का पालन करते हैं और कुछ जो है सो या फिर क्या करते हैं गर्भपात करा देते हैं ये दोनों ही गलत है वैसे आप तो खैर रिश्तियाँ भी यही कहती हैं कि हम तो बस तीन साल के लिए ही रहना चाहते हैं जी बस हमें बदलना चाहिए है ना यू वॉन्ट जेंग में कुछ भी सही नहीं है केवल हरे कृष्ण महामंत्र सही है इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और ध्यान रखिए इन सारे चीज़ों का कि हम ऐसी अवस्था में तो नहीं जावें बचें अपने आप को ठीक है और अगर आप सही मानिए अगर आपको शलभ्रपात की कृपा मिली है अगर भगवान के भक्तों का संग मिला है रियली यू आर वेरी लकी वेरी वेरी लकी आपकी सौभाग्य की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता इसीलिए कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ गया होगा प्रभु जी आप देखो है आप बोल रहे हो बुद्धि कम होती है आई एस आई पी एस देखो निकाल रहे हैं देखो क्या स्थिति हो रही है देखो हमारे इधर एक आई एस थी वह भी बहुत बड़े आई एस थी क्या हुआ तीन की चार बरसादी की जेल में और उसके बाद निकलने के और एक एंकर मुझे बड़ा एक, मैं ऐसे न्यूज देखता नहीं हूं लेकिन कहीं पे तो मैंने ऐसा खाली सुना कोई सुना रहे, कोई कोई रहे चला रहे थे अभी कहीं सुना तो जब वो माता जी प्रवेश की तो बोली ये देखिए ये आ गए हैं ये भी इनके पति थे <laughs> तो ये चीज मैंने बड़ा अजीब लगा सुन के बोले देखो ये क्या स्थिति है अब क्या प्रभाव पड़ेगा सोचो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका ये सारे बहुत ही ये सब असुर के गुण हैं आसुरी गुण हैं है ना बस कहीं पे भी कुछ अच्छा दिखा इससे मुझे शादी कर लेना है सुरपनखा के गुण हैं सुरपनखा ने क्या भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी अच्छे लग गए तो इनसे शादी कर लेता उनसे पहले ही वो अनमेरिड थी तो उन्होंने शादी किया हुआ था यस आगे बढ़िए ब्रो <laughs> बोल असुरगण ऐसा कोई उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो क्योंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत सोचनीय है ठीक है बहुत सोचनीय है बहुत खराब है लग रहा है कि हम प्रगति कर रहे हैं प्रगति कर रहे हैं लेकिन प्रगति नहीं है प्रगति के नाम पे मात्रो मात्र दुर्दशा हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है सास ससुर को साथ में नहीं रखेंगे दाई को रखेंगे रहे? सास ससुर रहेंगे बहुत लफड़ा होता है इसलिए दाई को रखूंगा साथ में सास ससुर को भेज देता हूं बाहर या तो आप इसको घर से निकालो या फिर हम ही निकल जाते हैं घर से ये स्थिति है ना ये प्रभाजी ग्रंथों से है कि एक स्त्री ध्यान रखिए बहुत अच्छा लाइन है एक स्त्री जब पुरुष की किसी पुरुष की सेवा करती है किसी पुरुष की वह सेवा नहीं कर सकती है अब ये चीज आप समझ रहे हैं मैं पति पति की बोल रहा कि अगर एक एक स्त्री पत्नी अपने सेवा करती है तब वह पति उसके प्रति आकर्षित होता है उसके प्रेम के प्रति आकर्षित होता है माता जी का यह स्वभाव ही होता है आप लोग ये फील किए या नहीं जनरली सेवा करना ही माता जी लोगों का स्वभाव होता है मैंने देखा है प्रभु जी लोगों में सेवा की भावना बहुत कम होती है और माता जी लोगों में बहुत अधिक होती है बहुत अधिक होती है है ना अब आज क्या है आज खाना बनाना ही नहीं है तो फिर प्रेम कहाँ से जागृत होगा खाना खाना है बाहर माता जी लोग खाना बनाती नहीं है तो पति से उसका उस प्रकार का प्रेम होता नहीं है बस थोड़ा सोअ वाला प्रेम होता है अट्रैक्शन वाला प्रेम होता है जैसे इनका खत्म उनका खत्म भाई डाइवोर्स यही स्थिति है इसीलिए खाना बना के खिलाना बहुत जरूरी है ठीक है प्रसाद बना करके खिलाना बहुत जरूरी है और साधारण सी बात है कि अगर वो पति की सेवा कर रही हैं और पति कृष्ण की सेवा कर रहा है तब तो फिर कमाल का है ठीक है इसीलिए बचना चाहिए इन सारे चीजों से ओके हरे कृष्णा जगत गुरु शिला प्रपात की जय श्रीमद भगवद गीता यथारूप की जयनिता गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल क्या कमेंट्स में है और सारे कमेंट्स हैं ओके हरे कृष्णा यस बोस इंडियन कल्चर में नहीं है नहीं है कल्चर में ओके ठीक है आज प्रश्न के लिए हमारे पास समय नहीं है हम लोग ऑलरेडी टाइम क्रॉस कर चुके हैं सो हम लोग परायन करेंगे ओके जिनके प्रश्न हैं वो कल पूछ लीजिए आप कमेंट में डाल दीजिए ठीक है, थीक है, थीक है तक तक परायन कर लेते हैं ਹਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਤਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama